आज हम बनाएंगे स्कूल इमर्जन सॉफ्टवेयर vb.net में। ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको चाहिए एक विजुअल स्टूडियो और आपको चाहिए SQL सर्वर। ये दोनों चीज़ आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। विजुअल स्टूडियो में आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले फाइल पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे न्यू और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो विजुअल बेसिक में होगा, तो यहाँ पर आएंगे अदर लैंग्वेज में, यहाँ से विजुअल बेसिक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से विंडो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ये विंडो फॉर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा स्कूल प्रोजेक्ट और 002। तो याद रखिए प्रोजेक्ट के नाम में आप स्पेस मत दीजिएगा, और उसके बाद आप इसे जहाँ सेव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पाथ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया है, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक फॉर्म, फॉर्म वन। तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और अपना मनचाहा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, पर आप इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए आपको चाहिए एक पैनल कंट्रोल, टूल बॉक्स में आएंगे, आपको चाहिए एक पैनल कंट्रोल, एक लेबल कंट्रोल और आपको एक पिक्चर बॉक्स चाहिए। ये चीज़ें, पैनल कंट्रोल को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा इसकी एक प्रॉपर्टी, डॉक प्रॉपर्टी, और आपको इसको हेडर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये पिक्चर बॉक्स है, इसको आपको यहाँ पे साइड में लगा देना है। यहाँ पे ये जो लेबल है, इस लेबल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, लेवल का आपको फॉन्ट साइज, और आप इसे बोल्ड कर दीजिए। कलर वगैरह भी देना चाहते हो तो कलर दे सकते हैं। यहाँ पे जो पैनल है, पैनल का एक बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब ये जो लेबल है आपको इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है, ताकि लगे ये क्या है, हमारा लॉगिन पेज है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई एक अच्छा सा इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक कंट्रोल और चाहिए जो कि है ग्रुप बॉक्स। हम चलेंगे यहाँ से, लेंगे एक ग्रुप बॉक्स, यहाँ पर आपको लिखना है लॉगिन। फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से आपको इसे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें चाहिए दो टेक्स्ट बॉक्स, टूल बॉक्स से ही आपको लेना है दो टेक्स्ट बॉक्स। ये एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने, इसको कॉपी करेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गए। अब हमें चाहिए एक और लेबल चाहिए, तो यहाँ से एक लेबल लेंगे हम, यहाँ से लिया हमने एक लेबल और यहाँ से लिया हमने एक लेबल। इन दोनों लेबल के आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करना है। इसके बाद आपको चाहिए एक बटन कंट्रोल, यहाँ से एक बटन ले लेंगे, प्रॉपर्टी में चलेंगे, आपको यहाँ से बटन को सेलेक्ट करना है पॉपअप, और इसका आपको यहाँ से एक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट पे आएंगे, फॉन्ट को बोल्ड करेंगे, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पर आपको लेना है लॉगिन। ये जो ग्रुप बॉक्स है, ग्रुप बॉक्स का एक बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे चेंज करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर पिक्चर बॉक्स में आप चाहे तो एक इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब इस इमेज का एक मोड होगा यहाँ पे, या आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्म आप देख रहे हैं, फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म वन दिख रहा है। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉगिन फॉर्म आप यहाँ पर कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर इसका एक आइकॉन होगा, यहाँ पर आइकॉन के लिए हमारे पास एक इमेज है। आपके पास एक इमेज होना चाहिए जो कि जिसका जो एक्सटेंशन हो .ico, ये एक आइकॉन फाइल है, इसका एक्सटेंशन .ico होगा, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन है उसका आइकॉन आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, मैं चाहता हूँ इसमें से जो मैक्सिमाइज बटन है ये आपको ना दिखे, तो मैक्सिमाइज को क्या करना, ये मिनिमाइज है, इसको ट्रू कर दीजिए, और मैक्सिमाइज को क्या कर देना है, आपको फॉल्स कर देना है। उसके बाद इस फॉर्म को क्या करना है, आपको
यहाँ पे आएंगे फिक्स्ड 3D, ठीक है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टी आप मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये प्रॉपर्टी सारे फॉर्म में आप तकरीबन आप सारे फॉर्म में यूज करेंगे फॉर्म से रिलेटेड। तो अभी ये आपका हो गया लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, इसके प्रॉपर्टी में चलेंगे, यहाँ पर यह टैब इंडेक्स होगा 1 और ये आपका होगा टैब इंडेक्स 1, ये आपका होगा टैब इंडेक्स 2 फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म पे करेंगे डबल क्लिक, तो जब ये लोड होगा तो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स, इनको आप रीनेम कर लो एक एक करके। ये आपका होगा TXT यूज़र नेम और दूसरा आपका आपका TXT पासवर्ड। फॉर्म पे करेंगे डबल क्लिक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, TXT जो यूज़र नेम होगा यह फोकस होगा इस पर, इनिशियली इस पर फोकस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बनाना है एक नया फॉर्म ऐड करना है, और ये जो फॉर्म होगा इस फॉर्म का काम होगा एनिमेशन इफेक्ट दिखाने के लिए। इसका नाम मैं दूंगा फॉर्म लोडिंग, आपको इसको पे ऐड कर लेना है, ये फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, इस फॉर्म का आपको ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल बॉक्स फॉल्स कर देना है। नीचे आएंगे, ये आपको क्या कर देना है, फिक्स्ड 3D, इसको सेव कर लेना है। फिर हमेशा की तरह यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये जो आपने ले रखा है पैनल कंट्रोल, ये हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पर ये मेरे पास एक पैनल कंट्रोल है, इस पैनल पे ये एक लेबल है जिसका कलर मैंने चेंज कर रखा है लेबल, और लेबल में टेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, ये एक क्या है, ये एक पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स, और इस पिक्चर बॉक्स में हम क्या करेंगे, एक इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया और आप इसको सेव कर लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पर एक और पिक्चर बॉक्स यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। मैं टूल बॉक्स में चलेंगे, यहाँ से आपको एक और पिक्चर बॉक्स चाहिए, ये आपने लिया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे स्मार्ट टैग पे, यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप पे, हमारे पास एक इमेज पड़ी है, ये वो इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया, ठीक। अब यहाँ पर हमें लेना है दो कंट्रोल यहाँ पर ऐड करने हैं, पहला जो कंट्रोल होगा वो होगा टाइमर, टाइमर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, दूसरा जो कंट्रोल होगा वो होगा प्रोग्रेस बार। तो आपको आना, ये एक प्रोग्रेस बार आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया प्रोग्रेस बार। अब क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं सेव, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मी डॉट डिस्पोज। अब ये फॉर्म ओपन कब होगा, ठीक है, ये जो फॉर्म है ये ओपन कब होगा, ये ओपन तब होगा जब बंदा यहाँ पे लॉगिन करेगा, तो जो आपका है फॉर्म लोडिंग ये आपका शो हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म लोडिंग शो हो जाएगा। और जब आपका फॉर्म लोडिंग शो होगा तो यहाँ पर क्या है, इसका टाइमर है, तो टाइमर पे आएंगे, टाइमर पे करेंगे डबल क्लिक, टाइमर का डबल क्लिक इवेंट आ गया, तो हमें ये कोड लिखना है यहाँ पे टाइमर के क्लिक इवेंट पे, ठीक है। ये हमारा MDI पेरेंट फॉर्म, तो ये वाला फॉर्म हमने अभी ऐड नहीं किया है, तो इसको हम यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इसका एक पेज का लोड इवेंट होता है, यहाँ पर भी हमें कोड लिखना है। ये तो आपका टाइमर के क्लिक, टाइमर के टिक इवेंट पे हो गया, अब लिखेंगे पेज के लोड इवेंट पे। यहाँ पे टाइमर को 1 को स्टार्ट कर देंगे और आपका प्रोग्रेस बार जो विजुअल है उसको फॉल्स कर देंगे। जब आप इसे रन करोगे तो मान लो ये आ गया आपका टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आप अपना यूज़र नेम लिखोगे, जो भी है पासवर्ड लिखोगे आप अपना, पासवर्ड आपको विजुअल है तो उसको अभी हम सही कर देंगे। अब क्या कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला फॉर्म आ गया डैशबोर्ड का, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर आएंगे, लॉगिन फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। अब लॉगिन फॉर्म का जो लोकेशन हो कैसा हो, सेंटर स्क्रीन में आए, और उसी तरीके से जो ये आपका लोडिंग लोडिंग फॉर्म है ये भी क्या है, सेंटर स्क्रीन में आए। यहाँ पर प्रॉपर्टी पर आएंगे, अब हमें कुछ नए फॉर्म यहाँ पर ऐड करने हैं, न्यू आइटम पर चलेंगे,
चलेंगे विंडो फॉर्म पे। अब यहाँ से एक तो लेना है अबाउट बॉक्स, तो ये एक ऐड कर लेते हैं अबाउट बॉक्स, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर लिया, इसको सेव कर लीजिए, बस आपको इसे ऐड कर लीजिए, इसे यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे, चलेंगे हम प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, चलेंगे प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है, तो यहाँ पर असेंबली इन्फॉर्मेशन में आएंगे और आपके प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या देना है, ऑलरेडी ये कुछ मैटर मैंने टाइप करके रखे हैं, इसको मैं कॉपी करूँगा। जो भी डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे दे सकते हो। कंपनी के बारे में पूछ रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट में भी कुछ डाल सकते हो आप, ठीक है। ट्रेडमार्क, फिर लैंग्वेज आपसे पूछ रहा है तो लैंग्वेज आप दे सकते हो, तो इंग्लिश, और इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है आइकॉन, तो हमारे पास आइकॉन अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी इमेज जिसका फॉर्मेट क्या हो .ioc, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी सामान्य जो भी JPG फाइल, PNG फाइल, ये आप यूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको .ico वाली जितनी फाइल होंगी सब आप यूज करोगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है कि शट डाउन मोड कब हो, जब लास्ट फॉर्म क्लोज हो जाए तब। अब यहाँ पे कह रहा है फ्लैश स्क्रीन क्या होगा, तो हमने अभी जो लोडिंग फॉर्म बनाया है यही फ्लैश स्क्रीन में डाल देंगे। ये कैसे क्रिएट होगा, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है आपको, चलेंगे ऐड न्यू आइटम पे, इसके बाद यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक आपको मिलेगा, एक लोकल डेटाबेस मिलेगा और एक मिलेगा सर्विस बेस्ड डेटाबेस। तो हम क्या लेंगे, सर्विस बेस्ड डेटाबेस लेंगे। इसको हम यहाँ पे इसका जो नाम है वो चेंज करेंगे, नाम क्या होगा, SMS DB 2, ठीक है, SMS प्रोजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट डेटाबेस 2, ये मैंने इसका नाम दे दिया। हमने ये सर्विस बेस्ड डेटाबेस सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस होगा वो हमारे प्रोजेक्ट में ही इंक्लूड रहेगा, तो जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट जाएगा वहाँ वहाँ ये डेटाबेस जाएगा, तो आपको आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपली यहाँ पे कैंसिल कर देना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटाबेस ये अवेलेबल है। अभी क्या करेंगे, अब इस डेटाबेस में हमें टेबल्स वगैरह बनानी है, तो राइट क्लिक करेंगे इसको, इसे करेंगे ओपन, ठीक है, यहाँ पर आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये SMS प्रोजेक्ट DB2, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये आपका टेबल है। टेबल में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऐड पे आएंगे, लिखेंगे क्या, ऐड न्यू टेबल। अब ऐड न्यू टेबल पे क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ऐसे आपको दिखता रहेगा। यहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, तो कॉलम नेम डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, दूसरा कॉलम नेम क्या होगा, यूज़र नेम, सॉरी डेटा टाइप एनवेयर केयर, तीसरा हो जाएगा पासवर्ड, डेटा टाइप एनवेयर केयर, चौथा हो जाएगा आपका फुल नेम। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी अगर आपको कुछ ऐसा लिखना हो, फुल नेम, मैंने क्या लिखा, फुल नेम, तो आपको क्या करना है, ये जो देखो बीच में स्पेस है ना, आपको किसी भी कॉलम के नेम में आपको स्पेस नहीं देना है, याद रखिएगा। ज़रूरत पड़े तो आप ये अंडरस्कोर यूज करिएगा, जैसे कि फुल अंडरस्पेस नेम, आप ये यूज कर सकते हो, या फिर बिना स्पेस का आप यहाँ पे यूज़ करिएगा, ठीक है, फुल नेम। तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, फुल नेम, ये कैसा होगा, एनवेयर केयर। अब इसके बाद एक और आपका आ जाएगा, ये होगा आपका पिक्चर, इमेजेस के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, ये क्या होगा, ये भी होगा आपका एनवेयर केयर, बट यहाँ पे इसकी जो साइज़ होगी मैं बढ़ा देता हूँ 500, ठीक है। अब जो आईडी होगा ये क्या होगा, ये प्राइमरी की होगा, और जो आईडी होगा इसे सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आएंगे, इज आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ओके। अब हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कहेगा डू यू वांट टू सेव, यस सेव, और इसका नाम क्या देंगे, यूजर्स, आपको इसे ऐड कर लेना है। तो एक टेबल हमारा ऐड हो चुका है, यहाँ पर आएंगे, इसे करेंगे रिफ्रेश, और आप जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा, यूज़र्स। इसी के साथ अब एक और टेबल ऐड करेंगे, इसमें टेबल नंबर 2, इसमें भी क्या होगा, आईडी होगा, INT इंटीजर हो गया। दूसरा कॉलम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या हो जाएगा, एनवेयर केयर। इसके बाद क्या आएगा, फुल नेम, ये होगा आपका एनवेयर केयर।
इसके बाद आएगा जेंडर एंड वेयर केयर, इसके बाद क्या आएगा एज। तो एज जो है इसके लिए आपको जेंडर वगैरह डेटा, जो डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पे नंबर लेना है, ठीक है नंबर। इसके बाद आपका आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस के लिए एन वेयर केयर, और यहाँ पर क्या करेंगे एड्रेस को भी हम 500 कर देते हैं, मान लीजिए किसी का एड्रेस काफ़ी लेंदी है तो आसानी से लिख सके। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, या फिर हम क्या लिखेंगे फ़ोन नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका एन वेयर केयर। इसके बाद आपका आएगा ईमेल एन वेयर केयर, ईमेल भी हो सकता है किसी का लेंदी हो तो आप 200 पर्याप्त है। इसके बाद आपका आता है क्लास, ठीक है, क्लास के बाद आपका आ जाएगा स्ट्रीम, एक मिनट, क्लास का डेटा टाइप क्या होगा एन वेयर केयर। इसके बाद आपका आ जाएगा स्ट्रीम एन वेयर केयर, स्ट्रीम के बाद क्या आएगा पिक्चर एन वेयर केयर, और पिक्चर को आपको यहाँ पे क्या देना है 500, ठीक है। तो इतने सारे कॉलम आपको बनाने हैं, आईडी आपका क्या होगा प्राइमरी की होगा, और आईडी क्या होगा आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है, ट्रू कर देना है। अब आपको इसे सेव करना है, यस पे क्लिक करेंगे और इसका नाम क्या देंगे हम स्टूडेंट्स, ठीक है ये। तो दो दो टेबल हमने यहाँ पे बना लिए, अब चलते हैं तीसरे टेबल की तरफ। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ऐड न्यू टेबल, ये टेबल आ गया, इसमें भी क्या लिखेंगे आईडी इंटीजर होगा, दूसरा हो जाएगा आपका स्टाफ आईडी, ये क्या होगा एन वेयर केयर हो जाएगा। इसके बाद अब आएगा फुल नेम, ठीक है फुल नेम क्या है एन वेयर केयर। इसके बाद जेंडर, ये भी लिखेंगे एन वेयर केयर। अगला कॉलम होगा एज, जो एज होगा ये आपको नंबर देना है। इसके बाद जो भी स्टाफ होगा उसका डेजिग्नेशन, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एन वेयर केयर। अब यहाँ पे क्या आएगा पिक्चर एन वेयर केयर, और यहाँ पर आपको साइज 500 कर देना है। अगला जो आएगा वो आएगा एड्रेस एन वेयर केयर, इसके बाद क्या आएगा फ़ोन, फ़ोन नंबर एन वेयर केयर। इसके बाद क्या आएगा ईमेल आएगा एन वेयर केयर। तो ईमेल भी आपका किसी का लेंदी ईमेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50 से भी काम हो जाएगा, पर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ये टेबल आपका, इसमें भी क्या करेंगे आईडी को प्राइमरी की करना है, और इसकी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है यहाँ पर आएंगे इज आइडेंटिटी यस, यहाँ पर आपको सेव करना है, इसको क्या देना है इसका नाम टीचर्स, ये टेबल हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तीन टेबल ऐड हो गए, एक और टेबल यहाँ पर ऐड करेंगे, और इसमें भी क्या होगा पहला होगा आईडी इंटीजर, उसके बाद होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या होगा एन वेयर केयर, फुल नेम एन वेयर केयर। इसके बाद आपका आएगा क्लास एन वेयर केयर, उसके बाद आपका आएगा क्या फीस, फीस जो होगा वो क्या होगा नंबर होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे नंबर और 0.2 तक, ठीक है। फी के बाद आपका आएगा फी पेड, ये भी क्या होगा नंबर होगा, और यहाँ पे नंबर में क्या लिखेंगे हम 2। इसके बाद क्या आएगा बैलेंस, बैलेंस फीस जो है, ठीक है बैलेंस में ये भी क्या होगा नंबर होगा आपका। बैलेंस के बाद आता है स्टेटस, ये होगा आपका एन वेयर केयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको हम सेव कर लेंगे, बट उससे पहले आईडी को आपको क्या बनाना है प्राइमरी की, और उसका जो इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है इसको आपको जो यस कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको सेव करेंगे,
इसका नाम देंगे फीस, और ये मैंने इसको ऐड कर लिया। अब एक और टेबल यहाँ पर ऐड करेंगे, ये होगा आईडी इंटीजर। फिर यहाँ पर क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, एनवेयर केयर, दूसरा है फुल नेम, एनवेयर केयर, तीसरा है क्लास, एनवेयर केयर, नेक्स्ट जो है स्ट्रीम, एनवेयर केयर, उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट, एनवेयर केयर, उसके बाद आएगा आपका सीए, सीए क्या होगा नंबर है ये, उसके बाद आपका आ जाता है एग्ज़ाम, ये भी क्या होगा आपका नंबर, एंड उसके बाद टोटल, ये भी होगा नंबर, और उसके बाद आपका ग्रेड आ जाएगा एनवेयर केयर, ग्रेड के बाद आएगा पोजीशन, एनवेयर केयर, और उसके बाद क्या आएगा आपका रिमार्क्स, ये भी क्या हो जाएगा एनवेयर केयर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें क्लास है, स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, सीए है, एग्ज़ाम्स है, टोटल है, ग्रेड है, पोजीशन है, रिमार्क है। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, बट उससे पहले जो हमारा आईडी वाला कॉलम है ये क्या होगा प्राइमरी की, और इसको क्या करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपको यस कर देना है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं सेव करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा टेबल है इसका नाम क्या देंगे, असेसमेंट ऐड कर दिया। तो अभी मैंने क्या किए, टोटल पांच टेबल हमने यहाँ पर ऐड कर लिया अपने इस डेटाबेस में। ठीक है, टेबल हमारी ऐड हो गई है, वेरी गुड। टेबल ऐड होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन का जो कोड है हमें वो करना है, एक फॉर्म ऐड करना होगा जिसको हम बनाएंगे क्या, मेन फॉर्म बनाएंगे। तो चलेंगे विंडो फॉर्म पे, यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करेंगे, हम चाहे तो एमडीआई पेरेंट फॉर्म भी ले सकते हैं, एमडीआई पेरेंट फॉर्म, पर हम अभी यहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्म लेंगे, इसका नाम देंगे मेन ठीक है मेन फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा मेन फॉर्म है, ये हमारा मेन फॉर्म है। ये फॉर्म क्या होगा, इसको लिखेंगे सेंटर स्क्रीन पे, और ये क्या होगा आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसको क्या करना है, फिक्स 3D, और इसका जो आइकॉन होगा आपको पता ही है, आपके पास एक आइकॉन है, आप ये सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर इसका आइकॉन आपको दिखता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हमें बनाना है मेनू, मेनू बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल अवेलेबल है, चलेंगे मेनू और टूल बार में, तो हम क्या लेंगे मेनू स्ट्रिप, हम यहाँ पे लेंगे, ये हो गया मेनू स्ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, ओके, ये आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर क्या आएगा, एड न्यू स्टूडेंट, नंबर टू मैनेज स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होएगा, एग्जाम, और यहाँ पे दे देते हैं रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से ये हो रहेंगे हमारे, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, चलेंगे ऐड पे, न्यू आइटम, एक विंडो फॉर्म लेंगे, और इस विंडो फॉर्म का नाम क्या रखेंगे, फॉर्म ऐड स्टूडेंट। ठीक है, और फिर हम इसे ऐड कर लेंगे, तो ये एक फॉर्म आ गया हमारे पास, फॉर्म ऐड स्टूडेंट। अब होगा क्या, जब हम यहाँ पर आएंगे स्टूडेंट पे, और जो ये वाला मेनू है इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं, जब हम चलेंगे लोडिंग फॉर्म, फॉर्म पे जब हम चलेंगे, यहाँ पे जो हमें फॉर्म शो करना है उसका नाम क्या है, मेन फॉर्म डॉट शो। ठीक है, अब इसे एक बार आपका लोडिंग फॉर्म आ गया, इसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन किया, ये पेज आया, और उसके बाद आपका जो होम पेज था वो आ गया।
ये आ गया। अब ये जो है ना, इसको क्या करता है, मी डॉट क्लोज कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। अब फिर यहाँ पर होम, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ऐड स्टूडेंट वाला। ठीक है, जब हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन, लॉगिन करेंगे तो फॉर्म्स डॉट शो डॉट डिस्पोज ऑन फॉर्म लोडिंग डॉट शो। वापस चलेंगे हम ऐड स्टूडेंट फॉर्म पे। अब इस फॉर्म की हमें करनी है डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल हैं, आपको इसमें ऐड करना होगा इस पर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कंट्रोल ऐड किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का एक बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये मैंने एक बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया इसका। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें एक चलेंगे डायलॉग बॉक्स में आएंगे, यहाँ से ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक लेबल है, दीज आर द लेबल, रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, एज, कॉन्टेक्ट एड्रेस, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल, क्लास, स्ट्रीम। ठीक है, और ये एक पिक्चर बॉक्स है। अब चलते हैं कंट्रोल की तरफ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल का नाम TXT रजिस्ट्रेशन नंबर। दूसरा ये कंट्रोल बॉक्स है जिसका नाम क्या है, TXT फुल नेम। ये क्या है आपका, एक कम्बो बॉक्स है। ठीक है, जिस ये कम्बो बॉक्स है इसका नाम क्या है, CMB जेंडर। और आपको इस यहाँ पर स्मार्ट टैग पर क्लिक करना है, एडिट पर आएंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है मेल, और दूसरा क्या लिखना है, फीमेल। ओके, और उसके बाद ये आपका एक दिस इज, ये कम्बो बॉक्स नहीं है, ये जो कंट्रोल मैंने यूज़ किया है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है न्यूमेरिक अप डाउन। ठीक है, न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद क्या है, ये है एक टेक्स्ट बॉक्स, और इसके स्मार्ट टैग पे क्लिक करोगे तो मैंने क्या किया, इसको मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल आपको वर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर दो हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, TXT फोन नंबर, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, TXT ईमेल। ये क्या है आपका, दिस इज़ ये आपका है कम्बो बॉक्स, इसका नाम क्या है, CMB क्लास। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्मार्ट पे, एडिट पे चलेंगे, यहाँ पे क्लास हम दे देते हैं, तो इसमें वैल्यू आ गई। अब आते हैं स्ट्रीम में, स्ट्रीम में क्लिक करते हैं, स्ट्रीम में क्या क्या होना चाहिए। पहला तो हो गया आपका ओके, तो ये कुछ स्ट्रीम मैंने यहाँ पे इसमें फिक्स कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका, एक बटन है, इस बटन का नाम क्या है, BTN लोड। ये दूसरा बटन है, इसका नाम है BTN क्लियर फोटो। ये एक बटन है जिसका नाम क्या है, BTN क्लियर। और ये एक बटन है जिसका नाम क्या है, BTN सेव। और यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स है, इसका नाम इमेज है, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल है। आप टूल बॉक्स में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, ये आपको यहाँ पे लेना है। ये तो हमारा बन गया फॉर्म का डिज़ाइन, बट उससे पहले हमें क्या करना है, लौटना है हमारे फॉर्म वन पे। फॉर्म वन हमारा क्या है, लॉगिन फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन फॉर्म का कोड करेंगे। लॉगिन फॉर्म का कोड करने के लिए मैं आपको बता दूँ, इस बटन पर करेंगे पहले तो डबल क्लिक। ठीक है, और अभी ये जो चीज़ें हैं इसको हम रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वैलिडेशन चेक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन में हमारे पास जो TXT पासवर्ड और TXT यूज़र नेम, ये दो कंट्रोल हैं, पहले मैंने इनको चेक किया कि ये इम्पटी हैं, तो हमें क्या करना है, एक मैसेज शो करो कि ये इम्पटी हैं। ठीक है, अब जब वैलिडेशन शो हो गया तो गाइस अब मुझे यहाँ पर एक नया फाइल ऐप पर ऐड करना है। आएंगे ऐड पे, आएंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे। अभी आएंगे डेटा पे, यहाँ पर आप देख सकते हो SQL टू लिंक टू SQL। ठीक है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे और इसका जो नाम होगा वो मैं दे देता हूँ SMS। ठीक है, SMS.DBML हम क्या ले रहे हैं, लिंक क्यू हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऐड कर लेना है, और जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जितने भी टेबल है ना, सबको हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये आपका सर्वर पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फीस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, फीस, उसके बाद स्टूडेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे।
हो गया। और उसके बाद यहाँ पे टीचर्स को कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़र को कर देते हैं ये, अब आपको इसे क्या करना है, सेव कर लेना है यहाँ पे बस। सेव करने के बाद हम वापस लौटेंगे लॉगिन फॉर्म की तरफ, यहाँ पर आते हैं लॉगिन फॉर्म। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्वेरी। तो ये कोड है आपका, मैं दिखा दूँ आपको। सबसे पहले आपको SMS डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर यहाँ पर एक मेथड है चेक यूज़र, और यहाँ पे जो हम क्वेरी लिख रहे हैं ये किसका क्वेरी है, लिंक्यू। लिंक्यू एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस के कॉम्प्लेक्स कोड को काफ़ी आसानी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो बेसिकली होता तो SQL का कोड ही होता है, पर हम उसे प्रोग्रामिंग मेथड के थ्रू लिखते हैं, प्रोग्रामिकली लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इसे सेव कर लेते हैं। इस बार मैंने लगाया इफ़ कंडीशन कि अगर जो यूजर चेक यूजर है, अगर ये वैल्यू अवेलेबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर काउंट की वैल्यू जीरो होगी मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, आपको ये मैसेज यहाँ पे दे देना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, इसे सेव कर लेंगे। और अगर रिकॉर्ड होगा तो सिंपली आपका ये जो फॉर्म होगा लोडिंग फॉर्म, ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा था आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे डिलीट कर देना है बस। अभी क्या करेंगे, अभी हम चलेंगे व्यू पे आते हैं, यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे चलेंगे। ये जो आपका यूज़र टेबल है, इस टेबल में हम क्या करेंगे, डेटा एंटर करते हैं। यहाँ पर आ गए तो आईडी ऑटोमेटिकली आएगी, यहाँ पे एक नाम मैं एंटर करूँगा। पिक्चर अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे नल भी छोड़ सकते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदा यहाँ पे, उसको मैंने सेव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे, ठीक है। तो लोडिंग फॉर्म आया, फिर आपका लॉगिन फॉर्म आ गया। लॉगिन फॉर्म में सपोज हमारा क्या है, कोडर तुम्हारा यूज़र नेम है 1 2 3 4 5, पासवर्ड से ये है, पर हम पासवर्ड को गलत यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कह रहा है आपका पासवर्ड गलत है, वेरी गुड, यानी कि ये काम कर रहा है, ये हमारा करेक्ट पासवर्ड। लॉगिन पे क्लिक किया, लोडिंग फॉर्म आया, इसके बाद आप चले गए होम पेज पे, परफेक्ट है, वर्क कर रहा है ये। स्टूडेंट पे आएंगे, अब जैसे आप ऐड स्टूडेंट करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म आ गया, जहाँ पे आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो पिक्चर बॉक्स आपको दिख नहीं रहा है, तो ये दिखेगा कैसे, इसको सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा, एक बॉर्डर स्टाइल नन है, आपको क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल फिक्स्ड 3D कर देंगे इस तरीके से, और तब आपको ये विजिबल हो जाएगा। तो लॉगिन का काम हो गया, तो लॉगिन को सेव कर लेते हैं हम, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको भी सेव कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। लोडिंग पे भी काम हमारा हो गया, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब लौटते हैं मेन जो आपका ऐड स्टूडेंट फॉर्म है, इस फॉर्म पे, और इस फॉर्म पे कैसे आपको काम करना है हम वो देखते हैं।